तो आप ये देख सकते हैं मैंने कुकर लिया है। आज का हमारा रेसिपी है आलू तहरी रेसिपी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं, ये तकरीबन 50 ग्राम के आसपास डाल रही हूँ मैं। इसमें जाएगा प्याज, ये प्याज है मैंने दो मीडियम साइज के प्याज ले लिए, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया और वो इसके अंदर डाल देंगे। इसे फ्राई करना है। जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, एक चम्मच लहसुन पेस्ट, एक चम्मच अदरक पेस्ट। अब इसे करेंगे मिक्स, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए। एक से एक मिनट तक इसे शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे, ये टमाटर है मीडियम साइज के, मैंने दो टमाटर लिए हैं। अब इसे इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, कुछ यूँ है। ये हरी मिर्च है, आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। ये चार लौंग और ये चार हरी इलायची और ये दो से तीन तेज पत्ते, इन सभी को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे चला लेंगे ताकि जले नहीं। एक टेबल स्पून भर के इसके अंदर जीरा डालेंगे। दो टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और एक टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। और एक टेबल स्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कम या ज़्यादा। और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला भून चुका है, ऑयल कितनी अच्छी तरीके से छोड़ दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, ये यूँ है, इसे मैंने छील लिया और बीच से काट लिए। ये बेबी आलू है और ये मैंने आधा 500 ग्राम लिया, यानी कि आधा किलो आलू लिया। अब इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट पका लेंगे। से 5 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से मसाला अलग हो गया और इसका ऑयल अलग हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो ये हमारे बासमती चावल है 1/2 kg, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसे कर लेंगे मिक्स अच्छे से। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि 2 इंच उंगली में पानी आ जाए, चेक करें तो। और इसके हम 2 सीटी ले लेंगे, चावल को लेवल कर दें और उसके बाद यूँ चेक करें।
ये देखें इतना काफ़ी है पानी। और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अगर कम है तो डाल दें, नमक मिर्च जो भी कम लगे आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे दो सीटी ले लेंगे। चलिए दो सीटी के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए हमारे आलू और तहरी बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल है, और बिल्कुल आलू भी गल चुके हैं, चावल भी गल चुके हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ही है ये बनाना। बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही उम्दा बनता है ये। आप लोग मेरी तरफ़ से एक बार ट्राई करें और फिर कमेंट करें कि कैसा बना आपकी तहरी। और बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान, कम से कम इसके अंदर मसाले डले हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें।